आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में 11 जून यानी ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर विशाल भंडारे का आयोजन यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की लखनऊ इकाई द्वारा किया गया। दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट हनुमान जी का प्रसाद बनाया गया, हनुमान जी का पूजन वंदन हुआ, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी यहां पर मौजूद थे। और इस भंडारे की यही खासियत है कि शासन प्रशासन, योगी सरकार का मंत्रिमंडल और उसके आम जनता, एक साथ सभी धर्म वर्ग जाति के लोग मिलकर इस भंडारे का आयोजन करते हैं और मंत्रीजन खुद अपने हाथों से प्रसाद वितरित करते हैं। शासन प्रशासन से भी तमाम लोग आए हुए हैं, मंत्रीगण आए हुए हैं, हम उन सब से बातचीत करेंगे क्योंकि लखनऊ इकाई के जो अध्यक्ष हैं शिव शरण सिंह जी, उनके बुलावे पर, उनके कहने पर यहां पर बहुत सारे मंत्रीगण, सत्ता पक्ष विपक्ष यहां पर आया है। साथ ही IFWJ के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी जी भी यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं, प्रेस क्लब का पूरा स्टाफ मौजूद है और लगातार जनता को मीठा शरबत, ठंडा पानी, पूड़ी, सब्जी, बूंदी वितरित की जा रही है। यही नहीं, लखनऊ के CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल खुद, जबकि CMO ऑफिस पर भंडारा चल रहा था, वो प्रेस क्लब पहुंचे और उन्होंने भक्तों को प्रसाद वितरित किया। आइए दोस्तों, कुछ गणमान्य अतिथियों से बातचीत करते हैं जो प्रेस क्लब में आज इस विशाल भंडारे में आए थे। सर, आज ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर यूपी प्रेस क्लब में भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हर साल प्रेस क्लब इस तरह का भंडारा आयोजित करता है। सबसे पहले तो मैं आज इस बड़े मंगल के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ और हनुमान भगवान, हनुमान जी की कृपा हम सब पे रहे ऐसी आशा है। और इस शुभ अवसर पर जो गरीब लोग हैं उन लोग को भोजन कराना एक अच्छी प्रथा है और प्रेस क्लब इसके लिए बहुत ही धन्यवाद की बात है कि हर वर्ष इस तरह का आयोजन करते हैं। तो जेठ का महीना चल रहा है और बहुत शुभ हर चीज का हुआ, तो सबको शुभकामनाएं देंगे और यही एक मौका मिलता है, जेठ के महीने में सेवा करने का मौका मिलता है। तो सबके पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में सबको धन्यवाद देता हूँ और माननीय मोदी जी की, माननीय योगी महाराज की सहयोग से जो भी अपने उत्तर प्रदेश से और पूरे प्रदेश देश का नाम रोशन हुआ, जो तीसरी बार सरकार बनी है, और माननीय सबको देशवासियों और प्रदेश को धन्यवाद देता हूँ। बजरंग बली की जय। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो अपना उत्तर प्रदेश में, खास करके लखनऊ अवध में, ये ज्येष्ठ मास में जितने भी हमारे मंगल पड़ते हैं, सारे मंगलों में बड़े मंगल मना करके एक नई संस्कृति का या उद्भव हुआ है जो पूरा प्रदेश, पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। आज के दिन सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल करके, आपस में मिल करके बढ़िया सा यहाँ पर भंडारा करते हैं। कोई कुल्फी भंडारा करता है, कोई पूरी से खिलाता है, कोई सबक खिलाता है, जैसा जिसकी श्रद्धा होती है श्रद्धा से करता है। तो इससे हमारा सद्भाव बनते हैं, आपस में मिलन जुलन होता है और बहुत सारे लोग इस बार तो वृक्षारोपण और वृक्ष का भी भंडारा करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण भी सुधरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भंडारों में जो भी यहाँ पर दोना पत्तन होते हैं उसको उठाने वाले भी यहाँ पर पूरी सक्रिय टीम काम कर रही है, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और बड़े मंगल की शुभकामनाएं देता हूँ सरकार को और जनता को, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आज बड़ा मंगल है, आज प्रेस क्लब में मैं यहाँ माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी और सभी लोगों के साथ आया हूँ। शिव शरण सिंह जी की और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। प्रेस क्लब में मैं निरंतर आता रहा हूँ और इसके विकास और इसके संवर्धन में कहीं ना कहीं हम लोग सब जुड़े रहे। हमारी प्रेस के जितने साथी हैं वो और अच्छा करें, हमारे शहर में बड़ा मंगल और भव्य रूप से मने और देश का और प्रदेश का आगे विकास हो, इस भाव के साथ जो है बधाई। जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर यूपी प्रेस क्लब में भंडारे का आयोजन, और कैसे क्या करना? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सनातन मूल्यों पर आधारित हैं। निश्चित रूप से नहीं, परंपराओं के आधार पर हमारा समाज की संरचना है और इसी से सामाजिक ताना माना भी मजबूती देने का काम करता है।
और जिस तरीके से माना जाता है कि कलयुग के देवता हनुमान जी है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए हमेशा, जिनको अगुआ देवता माना जाता है, उनका आज बड़े मंगल को बड़ा महत्व होता है। जेठ के जितने भी मंगलवार हैं बड़े मंगल के रूप में जाने जाते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेस क्लब के द्वारा जेठ के इन बड़े मंगलों के पुनीत अवसर पर यहाँ भंडारे का आयोजन निरंतरता से किया जा रहा है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा प्रेस क्लब के माननीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रेस क्लब से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, जो निरंतरता के साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को, भारतीय आदर्श और मूल्यों को बनाए रखते हुए एक कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की श्रद्धा के भाव जुड़े हुए हैं। इसके लिए पूरे संगठन को, प्रेस क्लब के सभी जुड़े हुए सदस्यों को, पदाधिकारियों को अपनी ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामना देता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे यूपी प्रेस क्लब में आज भंडारे का आयोजन? बड़ी प्रसन्नता का विषय है। यूपी प्रेस क्लब के अंदर आज भंडारे का आयोजन है। हनुमान जी हमारे इस कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं। आज हमारे देवता के पूजन अर्चन के साथ जिस तरीके से भंडारे का आयोजन प्रेस क्लब में हुआ है, इसके लिए मैं पूरी प्रेस क्लब को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। ये लखनऊ का जो मिली जुली संस्कृति का प्रतीक है बड़ा मंगल, यमुना गंगा का एक संदेश है कि समाज में सद्भाव हो, भाईचारा हो, और इस तरह के जो भी अवसर आएंगे उनको सब मिलजुल करके मनाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि सर्वोपरि हो सामाजिक सद्भाव। हम समाज में शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, और एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम भाव मजबूत होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का संदेश है। तो दोस्तों, देखा आपने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन लखनऊ इकाई द्वारा ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर इस विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शासन प्रशासन, सत्ता पक्ष विपक्ष, मंत्रीगण, सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर एक साथ आए और प्रसाद वितरित किया। लगातार बने रहिए नेशनल।